जब नाइकॉन ने अपने एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग और 100 साल के हिस्ट्री को कंबाइन किया तो अपनी 100th एनिवर्सरी पे उसने एक स्पेशल कैमरे का लॉन्च किया था। जैसा कि आपको सबको पता है, वो कैमरा था नाइकॉन का D850। आज भी किसी कंपेटिटर या खुद नाइकॉन के पास इस DSLR कैमरे का कोई भी रिप्लेसमेंट या कोई भी तोड़ नहीं है। कहते हैं इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़बरदस्त थी कि एक बार नेशनल ज्योग्राफिक के फोटोग्राफर ने अपने इंटरव्यू में कहा था, इवन यू कैन किल अ क्रोकोडाइल विद दिस नाइकॉन D850 इन द इमरजेंसी सिचुएशन। फोटोग्राफी की दुनिया में समय बहुत तेजी से बदल रहा था और मिररलेस रेवोल्यूशन बहुत जल्दी आ रहा था, तो अब समय था नाइकॉन को कुछ रिप्लेसमेंट के लिए। तो समय को देखते हुए नाइकॉन ने बहुत जल्दबाजी में मिररलेस कैमरे में अपना पहला स्टेप रखा और इसी D850 के वर्ल्ड फेमस सेंसर को Z7 में इक्विप किया। लेकिन फर्स्ट जनरेशन मिररलेस होने की वजह से इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी जो इसे अपने कंपेटिटर से स्लो बनाती थी। इसी कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए नाइकॉन ने एक साल में ही इसके सक्सेसर Z7 II का लॉन्च की घोषणा कर दी, क्योंकि Z7 की जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसे कोई भी नहीं खरीद रहा था। पर दूसरे ब्रांड के कैमरे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि नाइकॉन को उनको पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। नाइकॉन के गिरते शेयर्स और नाइकॉन के चाहने वाले अब दूसरे ब्रांड्स पे धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहे थे, जिससे नाइकॉन की रेपुटेशन को काफ़ी धक्का लगा। नाइकॉन के इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी और अपनी गिरती हुई मार्केट और अचाते हुए कस्टमर्स के लिए 8 महीने में ही नाइकॉन के Z9 की अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी। जी हाँ, Z9 वही कैमरा था जिसमें D850 का वर्ल्ड फेमस सेंसर लगा हुआ था। जब Z9 लॉन्च हुआ तो दुनिया में उस कैमरे का अपने पहले और फर्स्ट क्वार्टर में दुनिया के सब दिग्गज कैमरा कंपनी को पीछे छोड़ दिया। यह कैमरा बिना शटर मैकेनिक्स में काम करता था और यह दुनिया का पहला ऐसा कैमरा था जो विदाउट शटर के आया था। जी हाँ, यानी अब भविष्य के लिए शटर काउंट की समस्या ही खत्म हो गई, मतलब अब आपका कैमरा कभी भी रिटायर नहीं होगा और ना ही कभी बुड्ढा होगा। सन 2017 से 2022 के 5 साल के गैप के बाद नाइकॉन ने डिसाइड किया कि अब समय है नाइकॉन D850 के नए सक्सेसर लाने का। नाइकॉन ने इसी के साथ अपने Z8 के लॉन्च की घोषणा कर दी। इस कैमरे का लॉन्च इस साल के विंटर क्वार्टर या नेक्स्ट ईयर 2023 के स्टार्टिंग में हो सकता है। इस लॉन्च में नाइकॉन के साथ 5 नए और कैमरे लॉन्च होने जा रहे हैं, जो हैं Z7 Mark III, Z6 Mark III, Z50 Mark II, Z5 Mark II और फेमस उनका कम्पैक्ट फ्लैगशिप कैमरा जो है निकॉन Z8। तो अब बात करते हैं Z8 के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसमें 61.2 मेगापिक्सल का स्टैक्ड सेंसर होगा जो 16 इमेजेस को कंबाइन करके आपको 200 मेगापिक्सल की एक हाई रेजोल्यूशन फाइन डिटेल्ड पिक्चर प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप जूम करके छोटी से छोटी डिटेल भी आराम से देख सकते हैं। ज़्यादा मेगापिक्सल होने के कारण ये आपको 64 से 25,600 ISO फैसिलिटी ही प्रोवाइड करेगा, जिसमें नाइकॉन चाहता तो आपको ज़्यादा ISO भी दे सकता था, पर उन्होंने डिसाइड किया कि फ़ोटो आपकी अल्ट्रा शार्प और अल्ट्रा क्लीन है, जिसमें कोई भी पिक्सलेशन या कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसमें 6K वीडियो की फैसिलिटी विद 12-bit इंटरनल रॉ वीडियो की शूटिंग की फैसिलिटी भी दी जाएगी। ड्यूल CF एक्सप्रेस कार्ड जो पहले के कार्ड के मुकाबले ज़्यादा फास्ट फोटो को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बफरिंग स्पीड के साथ ट्रांसफ़र करेंगे। एक्सटर्नल बैटरी ग्रिप विद एक्सटर्नल नॉन स्टॉप चार्जिंग की फैसिलिटी होगी, जिसमें आप अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो बाहर से ही प्लग इन करके आप डायरेक्ट कैमरे को चार्ज कर सकते हैं और कोई भी आपको बैटरी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। इसमें USB 3.1 Type-C अल्ट्रा फास्ट USB सिस्टम होगा। तो दोस्तों, इस बार नाइकॉन अपने नए सेंसर के साथ नया कैमरा मार्केट में ला रहा है। हो सकता है फ्यूचर में नाइकॉन की पॉसिबिलिटी है कि नाइकॉन Z9 II में यही सेंसर रिपीट करे या इंडक्ट करे, क्योंकि ये सेंसर उसका अब नया फ्लैगशिप सेंसर होने जा रहा है। लाइक एक बहुत फेमस कोट है ना, दैट हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स।